नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन और मुझे पता है आपका राजीव जी का बेतबी से आप इंतजार करते हैं कि राजीव जी आएंगे और कुछ भविष्यवाणियां करेंगे। हर बार की तरह मैं फिर घोषणा कर दूं कि अगर आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो ये प्रोग्राम देखिए। ज्योतिष में रुचि ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मेरी ज्योतिष में रुचि है, इसलिए मैं राजीव जी के साथ ये कार्यक्रम करता हूँ। राजीव जी की कुछ भविष्यवाणियां गलत हुई हैं और बहुत सारी सही हुई हैं। पिछले दिनों में जो वो कह रहे हैं वो लगातार लगभग सच होता चला जा रहा है। अदालत के मामले में केजरीवाल की पार्टी के बारे में जो कह रहे हैं वो शब्दशः सही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी को लेकर जो उन्होंने कहा वो सही हो रहा है। तो मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट हो तो जरूर देखिएगा, अपने अपने आत्मविवेक से पूछ कर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट कि मैं मेरे साथ आप लोग हैं तो चैनल आज बहुत तरक्की कर रहा है। पिछले 28 दिनों में 23 करोड़ से ज़्यादा व्यू, यानी भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट पूरे देश में मिला उससे ज़्यादा व्यू तो केवल 28 दिनों में हमारे पास में आ गए। हम भारत में नंबर 1 पे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर में, सबसे ज़्यादा व्यू हैं। ये केवल आपका प्यार है कि हर 5 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, 4 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। ये आपके प्यार के बिना संभव नहीं है। यही प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को कहिएगा दोस्तों को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। बहुत खराब वक्त है। एक चैनल को केवल एक भारत सरकार के लेटर पे बंद कर दिया यूट्यूब ने। पता नहीं कब तक हमारा आपका साथ बना रहे, लेकिन जब तक है तब तक हम इसी तरह डंके की सोच चोट पर बोलते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे। फिर रिक्वेस्ट, चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं राजीव जी के पास। बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं। ये हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है और उन्होंने बताया है कि हिंदू नववर्ष की जो जन्मपत्र बनी है वो सत्ता के लिए कितना खतरनाक है, किस तरह सत्ता की विदाई दिखाई दे रही है इस काल में, इस योग में। पूरा इंटरव्यू सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, और फिर मुझसे बताइएगा कैसा लगा। चलते हैं राजीव जी के पास। राजीव जी, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। आपकी तो बिल्कुल धाक पूरी दुनिया में जमती चली जा रही है। आपने कहा कि केजरीवाल की पार्टी की बल्ले बल्ले होगी, और मैं देख रहा हूँ जो केजरीवाल काम सालों में नहीं कर पाते वो भारतीय जनता पार्टी घर बैठे दे रही है। इतनी ज्यादा सहानुभूति बढ़ गई कि कोई सोच नहीं सकता था। संजय सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया, मतलब सारे सारे चीजों की हवा निकल गई। और संजय सिंह के स्वागत में जो भीड़ उमड़ी है उसने तो निश्चित रूप से तापमान बढ़ा दिया। तो आप बधाई के पात्र हैं कि इस तरह की आपकी भविष्यवाणियां सही हुई। अब वो अप्रैल आ गया और हिंदू कहते हैं कि हिंदुओं का साल, मतलब मैं उस परंपरा का नहीं हूँ, मैं तो अपना नया साल 1 जनवरी को मंगाता हूँ, लेकिन जो बहुत सारे हिंदू समुदाय के लोग हैं वो मानते हैं कि हमारा नया साल अप्रैल में होता है। खासतौर से वो रिजिड भी होते हैं, भाई आप 1 जनवरी को मत मनाइए, अप्रैल में मनाइए। खैर, ये अलग अलग विचारधारा है, पूरी दुनिया 1 जनवरी को मनाती है, लेकिन जो हिंदू परंपरा का नया साल होता है वो शुरू हो रहा है अब। तो क्या ये जो हिंदू काल का ग्रह शुरू हो रहा है, इसमें इसकी दृष्टि से भी हम देख सकते हैं जन्मपत्री इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की, ये साल क्या होता है, जरा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ देखिए संजय जी, हमने एक बार आपको एक कोट बताया था, बृहस्पति संहिता का है, ग्रहों के अधीन ही ये संपूर्ण संसार है, ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, काल का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है और ग्रह ही कर्मों के फल को देने वाले होते हैं। तो ये आपको बताऊं कि जो हमारे वैसे जो चंद्र वर्ष होते हैं वो चैत्र मास से शुरू होते हैं, जो अभी चैत्र मास आएगा, चैत्र मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नया संवत्सर शुरू होता है। तो ये हॉरोस्कोप बनती है। और एक सेकंड राजीव जी, मैं थोड़ा सा ये आपसे अनुरोध करूंगा, बहुत सारे दर्शक जानते नहीं होंगे कि चैत्र क्या कब आता है, शुक्ल कब आता है, तो महीने के हिसाब से बता दीजिएगा। बहुत बिल्कुल ले, हमारे यहाँ तो बहुत बड़े उद्योगपति और नेताओं से लेके और रिक्शे चलाने वाले गरीब लोग, सब तबके के लोग देखते हैं, तो थोड़ा विस्तार से बताइए चैत्र कब आता है, शुक्ल कब आता है, महीने से थोड़ा इन लोगों को आइडिया लग जाएगा। देखिए ऐसा है ना कि हमारा चैत्र मास जो है अमूमन जो है मार्च के महीने से, मिड मार्च से शुरू हो जाता है, और जो हिंदू वर्ष के जो हिंदुओं के 12 महीने कहे गए, 12 ही महीने होते हैं, आपके अंग्रेजी महीने तो जनवरी फरवरी हो गए, तो पहला सीक्वेंस जो शुरू होता है चैत्र से शुरू होता है, उसके बाद वैशाख आता है, उसके बाद ज्येष्ठा आता है, उसके बाद आषाढ़ आता है, उसके बाद श्रावण आता है, उसके बाद भाद्रपद आता है, और उसके बाद आश्विन आता है, उसके बाद कार्तिक आता है 8वां महीना, 9वां महीना मार्गशीर्ष का होता है, 10वां महीना पौष का होता है, पुष्य नक्षत्र से बना, ये सब नक्षत्रों के नाम है।
हमारे हिंदुओं में जो महीनों चंद्रमास जो होते हैं जिनके ऊपर हमारे उत्सव और तिथियां निर्धारित होती हैं, हमारे शादी ब्याह भी जितने भी आयोजन होते हैं हिंदू संस्कारों के सब इन्हीं चंद्रमास पे ही होते हैं, क्योंकि चंद्रमा को हमारा माइंड का कारक माना गया है और सेलिब्रेशन का कारक माना गया, उत्साह का कारक माना गया है, इसलिए हिंदुओं में चंद्र को प्रधानता ज्यादा दी गई है, मन को प्रधानता दी गई है। तो नौवां महीना मार्च इसका हो गया, दसवां महीना पौष का, पौष मतलब ये शब्द आया पुष्य नक्षत्र से, और ग्यारहवां महीना माघ हो गया, माघ मास कहते हैं, और बारहवां महीना फागुन, तो होली के बाद फागुन खत्म हो जाता है, उसके बाद से चैत्र कृष्ण पक्ष शुरू होता है। अब जब चैत्र कृष्ण पक्ष शुरू होता है तो चैत्र शुक्ल, हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष को बिगनिंग माना गया जो है, क्या नाम है उसकी मास की जो है सोलर मास के लिए, तो चैत्र सोलर मास के लिए, मैं चंद्रमास की बात अभी कर रहा था, सोलर मास पे आ जाता हूँ। तो हमारे हिंदू हिंदू शब्द बेसिकली गलत है संजय जी, क्योंकि हिंदू शब्द अपने आप में ही अरबी लोगों ने दिया था, तो वो हमारे यहाँ सनातन धर्म करेक्ट वर्ड है या वैदिक धर्म करेक्ट वर्ड है, वैदिक सनातन का। एक सेकंड, जो ये लड़ाई चलती है कि बार बार हिंदू कोई धर्म नहीं होता, सनातन धर्म होता है, ये लड़ाई सही है, मतलब हिंदू कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हिंदू वर्ष नहीं था एक्चुअली, हम लोग सिंधु घाटी के इस तरफ रहने वाले हैं, तो अरब लोग सा शब्द नहीं बोल पाते, तो वो हा बोलते थे, वो सिंधु से बिगड़ के हिंदू हो गया, तो हम लोगों को हिंदू कहने लगे। और आपको पता है हाँ, और आपको पता है इंडिया शब्द भी इंडस घाटी से, अंग्रेजी में सिंधु घाटी को कहते हैं इंडस घाटी, इंडस वैली, तो इंडिया शब्द भी अंग्रेजों ने जो है इसी से निकाला था, इंडस वैली से। तो सही सनातन का अर्थ होता प्राचीन, लेकिन ये धर्म वैदिक है, तो वैदिक धर्म इसलिए है कि ये मैं एक अभी ये वर्ष कहाँ से शुरू होता है कि जिस समय चैत्र मास की प्रतिपदा शुरू होगी उसी समय से आपका एक कुंडली बनती है, वो कुंडली पूरे साल का फलादेश बता देती है। आपने जो भी प्रश्न किया था, हाँ पूरे साल का, और क्यों उसका महत्व बताता हूँ, क्योंकि आपने अच्छा किया ये क्वेश्चन मेरे से पूछ करके, एक दर्शकों की बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी आज इस पे, हम लोग राजनीति बात तो करते रह लेंगे, एक थोड़ा सा 5-6 मिनट का ये डिस्कशन जरूरी है कि दर्शकों की बहुत सारी जिज्ञासाएं इससे दूर होंगी। तो ये 8 अप्रैल 2024 को रात्रि को 11:51 पे ये समय शुरू होगा, 8 अप्रैल को, हाँ 8 अप्रैल को, ठीक है। अच्छा एक और चीज है कि हमारे यहाँ ये इसका राजा मंगल है और मंत्री शनि है, इनका क्या महत्व है ये मैं बताता हूँ। तो हमारे हिंदू धर्म में जो तिथि है वो उदय तिथि मानी जाती है, मतलब सनराइज के टाइम में जो तिथि मिलेगी उसको हमारे यहाँ उत्सव के लिए माना जाता है। तो अब आप देखिए 8 अप्रैल को क्या दिन है, सोमवार, और उदय तिथि इसकी बनेगी, चैत्र प्रतिपदा बनेगी उदय तिथि, मतलब सनराइज, क्योंकि रात को 11 बजे शुरू हो रही है तो उदय तिथि नहीं मानी जाएगी, उदय तिथि अगले दिन पड़ेगी जब सूर्योदय के समय ये प्रतिपदा मिलेगी। तो इसीलिए जो सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको स्वामी बनता इस साल का राजा। तो अगला दिन क्या बना, मंगलवार है ना, 9 तारीख को, तो मंगल का स्वामी मंगल को माना गया, इसीलिए इस वर्ष का जो स्वामी है वो मंगल है, और इसका विचित्र नाम है, काल नाम है इसका। अच्छा इसके बाद में एक अगला, इसका मंत्री कैसे निर्धारित होता है, इसका मंत्री निर्धारित होता है जब सूर्य मेष राशि में जाएगा, सूर्य अभी मीन राशि में चल रहे हैं, और 14 या 15 तारीख के आसपास हर महीने हम लोगों को पता है कि संक्रांति आती है, सूर्य जब अपनी राशि, सूर्य की राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा गया है। तो सूर्य जब मेष राशि, मतलब सीक्वेंस में 12 राशि हमारी, 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि और 12 नंबर मीन राशि। तो जब चक्का घूमेगा तो 1 से शुरुआत करेंगे हम, तो मेष राशि में सूर्य आएगा लगभग 14-15 मार्च को, तो उस समय जो दिन बनेगा उसका स्वामी बनता है हमारा मंत्री। तो इस बार वो मेष राशि में सूर्य प्रवेश करेगा शनिवार को, तो इसलिए इसका मंत्री बना शनि। अब दोनों ही बहुत ज्योतिष के अनुसार तो क्रूर ग्रह हैं, अच्छे शनि, मंगल राजा हो गया और सेनापति शनि हो गया, सेनापति शनि हो गया, बहादुर ग्रह इसके बारे शनि और मंगल का नाम सुन के, तो इसके फलादेश वास्तव में इस बार चौंकाने वाले, बहुत चौंकाने वाले। तो इसमें धनु लगन बना, ये भारत की कुंडली का अष्टम भाव है, 8वां घर होता परिवर्तन का, इसके राजनीतिक क्या महत्व है मैं बताता हूँ। 8वां घर भाई हमारा शरीर, जब हमारी आत्मा, मैं समझ गया, मैं थोड़े मैं बताता हूँ,
अब मैं तो आपके साथ रहने के आपका चेला हो गया, सीख गया मैं ज्योतिष। आठवां घर है परिवर्तन का और ये जन्म राशि परिवर्तन की बनी। मंगल राजा है, शनि सेनापति है, इसका मतलब परिवर्तन का योग है, इसका मतलब राजनीति में परिवर्तन का योग है। परिवर्तन का योग हो गया उच्चार में। अच्छा एक और चीज है, हमारे हिंदुओं में चार प्रकार के नवरात्र होते हैं। एक चैत्र मास के प्रतिपदा से शुरू होता है नवरात्र, और एक आश्विन मास में आते हैं जो श्राद्धों के खत्म होने के बाद, और दो आषाढ़ और मघा नक्षत्र माघ मास में पड़ते हैं, वो गुप्त नवरात्र का याद है, वो साधु संत मनाते हैं। गृहस्थ आदमी चैत्र मास के जो अभी शुरू हो रहे हैं 9 तारीख से नवरात्र है, पहले पहला दिन नवरात्र का है 9 तारीख को, और आश्विन मास के आपके सितंबर अक्टूबर में आते हैं। तो ये ज्यादा बड़े, ज्यादा बड़े वो क्यों माने जाते हैं? अक्टूबर वाले ज्यादा बड़े माने जाते हैं उसमें दुर्गा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ज्यादा बड़े माने जाते हैं। आपको बता देता हूँ, इसमें भगवान राम का जन्म इसी में हुआ है, नवमी के दिन। हाँ, इस चैत्र मास की नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ है, तो इसलिए इसका बड़ा महत्व है। इसमें इसीलिए कहा जाता है शक्ति के साथ साथ, शक्ति मतलब देवी, देवी के साथ साथ शक्तिधर, उस शक्ति को धारण करने वाला कौन है? पुरुष, मनुष्य, भगवान राम। तो इसलिए इसमें देवी की और भगवान राम की आराधना का बहुत अच्छा विधान है इन नवरात्रों में। तो देखिए, जो संवत्सर से शुरू हुआ हमारे हिंदू वर्ष में क्या कहा जाता है, इस दिन का स्वामी, देखिए इस दिन ऐसी मान्यता है हमारे वेदों के अनुसार, आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये सब नारद पुराण में दिखा रहा हूँ, ये सारा वर्णन संवत्सर का और तिथि नक्षत्र का, इनका सबका नारद पुराण में है। अच्छा बताइए मुझे, ये मैंने पुराण के बारे में बहुत सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है कभी भी। दो बातें बताइए दर्शकों को, एक दो दर्शक ने मुझसे पूछा भी, ये नारद पुराण मिलेगा कहाँ, और दूसरा इसमें किसकी चीज का जिक्र है, नारद पुराण है क्या? भाई देखिए, नारद पुराण में आपकी एस्ट्रोनॉमी ज्यादा है, वैसे तो हमारे सारे देवी देवताओं की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति सारी इसी में मिलेगी। आज जो संवत्सर की बात मैं कर रहा हूँ वो नारद पुराण और वामन पुराण में इसका बहुत उल्लेख है, विष्णु पुराण में भी है। तो जब तक आप इनको पढ़ेंगे नहीं, और ये गीता प्रेस के से सर मोस्ट ऑथेंटिक अगर कोई आपको पुस्तक मिलेगी तो गीता प्रेस से। तो इन पुराण और 18 पुराण है जो वेद व्यास जी ने लिखे थे द्वापर में, मतलब क्या नाम है, कलयुग में, द्वापर युग में वेद व्यास जी ने लिखे थे, ईशा से पहले लगभग। चार वेद 18 पुराण, 18 पुराण, ठीक है, और 11 आपने सब पढ़े हैं? मैं काफी हद तक पढ़ा हूँ, काफी हद तक पढ़ा हूँ, मैंने 15-16 साल से पढ़ा हूँ। वेद चारों पढ़े होंगे आपने? वेद अध्ययन भी मैंने किया है, किया है। अच्छा, बहुत मुश्किल होता है। तो सुनिए, तो अब आप इसमें ये कि इसी पुराण में ये कहा गया है कि इस दिन जो है हमारे यहाँ जो अलग अलग संप्रदाय के लोग, और मजे की बात है ये भारतवर्ष में नहीं, अरब देशों में हिजरी संवत्सर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और हाँ, हिजरी संवत्सर, और हिजरी का मतलब, हिजरी का मतलब ये कहा गया है, हिजरी इसकी उत्पत्ति अरब देशों में हुई, हिजरी का अर्थ है संकट में देश का त्याग। पैगंबर मोहम्मद 15 जुलाई 622 ईस्वी को अपना वतन मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, इसीलिए इसे हिजरी संवत कहा जाता है। अच्छा, हिजरी संवत, हाँ, वो मुसलमान लोग हिजरी संवत मानते हैं, और बंगाल में बंगला संवत माना जाता है, और महाराष्ट्र में, गुजरात में गुड़ी पड़वा के नाम से माना। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है गुड़ी पड़वा, हाँ, बहुत ये है संजय जी कि हमारे इस पुराणों के अनुसार ये मान्यता है जो इसमें पुराणों में वर्णन दिया है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। अच्छा, ओके, हाँ, इसी दिन सृष्टि की रचना की थी, सारे लोगों की, सातों लोगों की रचना भी की थी। तो उत्पत्ति का, और आप देखिए, आप 1 जनवरी से साल जरूर मनाते हैं ना, तो 1 जनवरी वाले साल में सूर्य जो है उस समय धनु राशि में होते हैं, तो उस समय सूर्य, अब आप बताइए 1 से लेकर 12 तक गिनती करो तो 9 नंबर तो बीच में आएगा, धनु मतलब 9 नंबर, तो वहां नया साल कहां से शुरू हो गया? और उस समय तो आप सर्दी में ठिठुर रहे होते, पी पा करके औंधे मुंह पड़े कहीं गिरे होते नाली फाली में, ये हालत होती है सर्दी के मारे आदमी। तो आप लोग पीने वालों को बड़ा कोसते हैं हर समय, मैं खुद पीता हूँ, इसलिए मुझे दिल पे लगती है, मतलब मुझे लगता है वो शेर है ना, या तो मस्जिद में पीने दे खुदा, या वो जगह बता जहाँ पे खुद, या वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो, तो मतलब मजाक कर रहा था। तो इसमें जो है हम बात कर रहे थे कि इस बंगला संवत शुरू होती है जो मेष में, जब शनि संक्रांति में सूर्य आता है, तो 1 नंबर 14-15 मार्च से आपकी, 14-15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी आपकी बंगला संवत। और एक शक संवत है जो शालिवाहन नामक राजा ने शुरू किया था। अब संवत्सर का मतलब समझ रहे हैं आप, संवत्सर का मतलब ये हुआ कि ये संवत्सर में जो, इसको विक्रमी संवत भी कहा जाता है, जो हमारे 2021 है, इसका संख्या 2021 है। क्यों है? लगभग आज से 2500 वर्ष पहले
राजा विक्रमादित्य ने इसको पुनः शुरू किया था आपके सनातन धर्म, इसीलिए उनके नाम से ये विक्रमी संवत बन गया। और विक्रमी संवत में अगर आप जो है क्या नाम है ईस्वी में 57 अगर घटा दे तो विक्री संवत बन जाता है आपकी। जैसे 2024 ईस्वी चल रही है ना, इसमें 57 वर्ष घटा दीजिए तो आपका वो संवत्सर बन जाएगा, क्या नाम है विक्रमी संवत। तो इसका अर्थ ये है इसी दिन से। और आप एक और चीजें, प्रकृति भी इस चीज का संकेत देती है, दर्शक खुद जानते हो पतझड़ होती है, नए पौधे नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। आप देखिए कमाल की भगवान की सृष्टि की रचना है कि अपने आप से वो पुराने पत्ते झड़ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, वो एक अजीब सा धार्मिक माहौल है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो इसका अर्थ है प्रकृति भी वो बताती है कि ये नया साल यहीं से शुरू हो रहा है, हमारी आपकी सोच से नहीं चलता है, वो तो प्रकृति का संकेत तो हमको मानना पड़ेगा। तो इस दिन हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि चूंकि सृष्टि के रचनाकर्ता कौन है, ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, घट स्थापना होती है आप नवरात्रि में घट स्थापना। और ध्वजा आपको पता है पहले के टाइम में हिंदू धर्म के लोग अपने अपने घरों पर ध्वजा बदलते थे, हिंदू धर्म के या अलग अलग धर्मों के मान्यता वाले लोग भी उसमें ध्वजा बदली जाती है। और अपने इष्ट देव का जो है इस दिन पूजन होता है। और इसके अलावा जितने आपके धार्मिक ग्रंथ है जैसे 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद और न्याय शास्त्र, आपने 6 फिलोसफी पढ़ी थी, आपने फिलोसफी पढ़ी है तो 6 फिलोसफी में न्याय न्याय फिलोसफी, इसमें न्याय शास्त्र का भी इस दिन जो है क्या नाम है पूजा होती है। और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी पूजा अर्चना होती है, लोग बकायदा उसको उत्सव की तरह से मनाते हैं। आप कभी गुजरात महाराष्ट्र में जाइए, उसको बहुत अच्छा सेलिब्रेशन के साथ मनाया जाता है। ऊपर पताका, आपने बारी बात कही, एक दिन आपने मुझसे कहा था कि जब मंदिर की स्थापना होती है तो उसके ऊपर पताका लगाई जाती है, हमारे हमारे राम मंदिर में लग गई होगी अयोध्या में, वो तो पूरा बना नहीं है, उसका शिखर बना ही नहीं है, तो इसलिए वो तो उन्होंने क्या किया नकली बना करके उसको वो प्लास्टिक की लगा रखी है, उसको धोखा दे रहे भगवान को भी। आप मुझे बताइए अपने जीवन में आप तो चूंकि इतने आप कैसे मतलब पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी है, आपने विज्ञान छोड़ के अध्यात्म की दुनिया पकड़ी, ज्योतिष की दुनिया पकड़ी और आपने कई ऑस्ट्रेलिया में आपने इतनी ब्रांडिंग जमा कराई, हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया वहां पे, पूरी दुनिया में आपकी धाक है। मुझे ईमानदारी से बताइए आपने कोई मंदिर सुना कि जो अधूरा हमारा मंदिर की जिसकी शुरुआत हो गई हो, जैसे राम मंदिर कभी नहीं होना ही नहीं चाहिए। आप इवन सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब वहां पर अबू धाबी गए थे वहां पर भी मंदिर का पूरा शिखर पूरा हुआ, उसके बाद ही वहां पर उसका मंदिर की पूजा अर्चना शुरू हुई है, लेकिन अपने यहाँ तो उनको पता नहीं क्यों राजनीतिक कारणों से उन्होंने जल्दी करा दिया। एक और ये देखिए हमारे इसी में एक चीज और सवाल पूछूंगा आपसे, क्या यही कारण है, मैं पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ किसी टीवी चैनल पे किसी भाषण में अब राम मंदिर का नाम ही नहीं ले रहे प्रधानमंत्री जी, राम मंदिर भूल गए वो। देखिए ये तो मैं पहला व्यक्ति हूँ, आपको पता है हर प्रोग्राम में मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं बन पाएगा और इनको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से जल्दबाजी में किया गया था और शंकराचार्यों की अवहेलना, उनकी बेइज्जती करके उनको नेग्लेक्ट करके किया गया था। तो देखिए पुण्य आपके सामने कि आज हम सब भटक रहे हैं और किस तरह की बातें, हम उस पर विषय पे आएंगे। एक और संजय जी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, इस दिन पंचांग की पूजा होती है, ये हिंदू हम लोग देखते थे, हम छोटे थे तो हमारे माता जी जो है वो इसमें देख के बताती थी कि पूर्णिमा कब है, और हमारे घर में हर साल आता था, हमें याद है कैलेंडर आता था, कैलेंडर पे वो टिक लगाया जाता था होली दिवाली पे, और इसी पंचांग के आधार पर आपके सारे विवाह के मुहूर्त, यात्रा के मुहूर्त और उसमें नए मकान बनाने के मुहूर्त, गृह प्रवेश के मुहूर्त, सब मुहूर्त दिए हुए हैं, सारे त्योहार दिए, पूरी गणना ऐसी सटीक है कि आज से 5000 साल पुराना भी आप ले लीजिए तो वो सटीक आपको मिलेगी। इसमें अर्थक्वेक की टाइमिंग वगैरह तो देखिए क्या विचित्र एस्ट्रोनॉमी है हमारी, उस समय के हमारे आचार कितने कैलकुलेटेड थे और सारी चीजों का जो है उसमें एक्यूरेट कैलकुलेशन करते थे। मैं आपको एक जानकारी बता दूं इसका महत्व क्या है, पूर्व काल में राज ज्योतिषी इसी दिन से, राजा के राजज्योतिषी होते थे जैसे विक्रमादित्य जी के राजज्योतिषी थे वराहमिहिर, पूर्व काल में राज ज्योतिषी इसी दिन से आने वाले वर्ष का फलादेश देखते थे, प्रेडिक्शन देते थे पूरे साल का, राजा का भविष्य, उसकी नीतियां, उसका जनता के ऊपर प्रभाव, जनता का व्यवहार, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, वर्षा की व्यवस्था, कृषि, अनाज, फल, सब्जी का उत्पाद, मौसम, युद्ध या आतंकवादी घटनाएं, भूकंप, दुर्घटनाएं, पड़ोसी राज्यों से संबंध, विश्व की राजनीति,
बीमारी, महामारी, महंगाई इत्यादि का आकलन भी इसी संवत्सर की बनने वाली कुंडली के आधार पर होता था क्योंकि पहले, और भविष्यवाणी करते समय वर्ष का राजा, वर्ष का मंत्री कौन होगा, वर्षेश, जिस दिन वर्षेश वो होता जब सूर्य हमारा आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो उस दिन जिस दिन वो पड़ेगा उस दिन का स्वामी आपका वर्षा का स्वामी माना जाता है, वर्षेश को कहा गया है। कि उसी से हमारे ज्योतिषी प्रेडिक्शन देते थे कि इस साल बारिश कैसी होने वाली है, और उसमें धनेश होता है, लॉर्ड ऑफ फाइनेंस भी इसके अंदर इसी संवत्सर में निकाला जाता है, और धनेश भी निकाला जाता है। धनेश मतलब धान अनाज वगैरह का जो स्वामी है, जिनका प्रभाव उस कुंडली के साथ सामूहिक रूप से किया जाता है। आप सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि इसका जो मैंने आपको बताया शक संबत जो है प्रतिवर्ष 22 मार्च को आता है, इसीलिए भारत सरकार के सामने ये समस्या रही होगी कि संवत्सर की जब तिथियां ये आगे पीछे होती रहती है, और शक संबत जो है फिक्स्ड है 22 मार्च को, इसीलिए हमारे भारत की सरकार ने उसको राष्ट्रीय संबत घोषित किया हुआ है। आप कैलेंडर अगर लेकर के आइए उसमें शक संबत भी लिखा होगा, विक्रमी संबत भी लिखा होगा। विक्रमी संबत हमारी 9 तारीख से शुरू हो रही है, 8 तारीख से, और शक संबत 22 मार्च को होती है। और इसमें शक संबत विक्रमी संबत में से अगर 135 घटा दीजिए तो शक संबत का संख्या मिल जाएगी हमको। बंगला संबत में 515 जोड़ दीजिए तो शक संबत मिल जाती है। ईसवी सन में जैसे 2024 चल रहा है, इसमें 57 जोड़ दीजिए तो विक्रमी संबत आपको मिल जाएगी। क्यों, 2081 चल रही है ना, 2024 में 57 जोड़िए तो कितना हो गया, 2080, तो हमारा 2081 संबत है। और शक संबत में 500 घटा दीजिए तो हिजरी संबत, जो मुसलमान जिसको मनाते हैं। आपको पता है इसके अलावा आपकी 6 ऋतुएं भी हैं, ये सब ज्योतिष का विषय है। इसलिए ऋतु है वसंत जो फरवरी और मार्च में पड़ती है, ग्रीष्म जो अप्रैल और मई में पड़ती है, वर्षा जो जून जुलाई में पड़ती है, शरद ऋतु अगस्त और सितंबर में आती है, शिशिर ऋतु अक्टूबर नवंबर में आती है, और हेमंत ऋतु दिसंबर और जनवरी में पड़ती है। तो ये हमारे इसका है। अब मैं आपको जो एस्ट्रोलॉजिकल इसका मायने बताने जा रहा हूँ। मुझे मैं यही पूछना जा रहा था आपसे कि ये जो साल नया शुरू होगा, इस नए साल में चूंकि राजा मंगल है, शनि सेनापति है, तो एनडीए और इंडिया इन दोनों गठबंधन पे इस साल के ग्रह क्या कहते हैं ये बता दीजिए। देखिए एनडीए इंडिया से पहले हमारी दो राजनीतिक पार्टियां हैं जो आप जानते ही हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और यही मेन नेशनल पार्टियां हैं। आप पार्टी तो अभी 10-12 साल पहले बनी है। ये काल नामक संबत जो है धनु लग्न और मीन राशि में प्रारंभ हो रहा है। इसका जन्म नक्षत्र रेवती है जिसका स्वामी बुध वक्री और अस्त है। मैं कुंडली आपको दिखाऊंगा तो आप कुंडली दर्शकों को दिखाइएगा। इसमें शुक्र, राहु, सूर्य और चंद्रमा चौथे घर में विराजमान है। 4-10 की एक्सिस जो केंद्र और सत्ता की एक्सिस होती है, 4-10 एक्सिस होती है, चौथे और दसवें घर की एक्सिस को सत्ता की एक्सिस माना गया है। इसमें राहु केतु है, ये पीड़ित है। बुध और जुपिटर इसमें पांचवें घर में शनि से पीड़ित हो रहे हैं। दसवें घर का स्वामी, दसवां घर हमारा पावर का होता है। इस कुंडली में जो धनु लग्न की जो कुंडली बन रही है, इसमें संजय जी दसवें घर पे 6, 8, 12 तीनों ग्रहों का प्रभाव है। ये दर्शक आकलन करेंगे जिनको ज्योतिष आती है। 6, 8, 12 हमारे ज्योतिष में 12 घर में से 3 घर हमारे कष्ट के माने गए हैं। जिसकी कुंडली में अगर 6, 8, 12 का जिस भाव पे प्रभाव पड़ गया, सोचो उसी से संबंध वो डब्बा गोल, उस भाव से संबंध उसको कष्ट आएगा ही आएगा। अगर पैसे के घर पे चला गया तो वो बर्बाद हो जाएगा, अगर संतान के घर में चला गया तो संतान नहीं बचेगी। इस तरह की ज्योतिषीय गणना होती है। तो मैं आपको बता देता हूं इस साल का, चूंकि मंगल जो है स्वामी है, राजा है, फाइटिंग अमंग्स द किंग्स, प्लेंटी ऑफ फायर्स इन द फॉरेस्ट एंड अदर प्लेसेस, रॉबरी चोरी चकोरी की घटना बढ़ जाएंगी, मेजर एक्सीडेंट्स होंगे, अर्थक्वेक आएंगे, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एसेट्स, बैड फॉर फार्मिंग एंड होस्टाइल वेदर, सेक्स स्कैंडल, इस वर्ष में सेक्स स्कैंडल और सेक्स क्राइम बढ़ने वाले हैं, और ह्यूमिलिएशन टू रूलर्स, प्रोमिनेंट पीपल्स, चांसेस ऑफ गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड मे चेंज। पूरे संसार में इस साल होने वाले चुनावों में सरकारें बदलने का योग है, जिसमें भारतवर्ष भी शामिल है। क्योंकि मैंने पहले ही शुरुआत में कह दिया था कि धनु लगन भारत की कुंडली का अष्टम भाव है जो कि परिवर्तन का योग बता रहा है,
और भारत की कुंडली में चंद्रमा में अभी शुक्र की दशा चल रही है, चंद्रमा से अष्टम भाव में समय शनि गोचर में है, ये मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ। जब जब चंद्रमा से शनि अष्टम में जाए, चौथे घर में जाए या शनि की साढ़े साथी शुरू हो, तो भारत में सत्ता परिवर्तन देखा गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मैंने 1977 की संजय जी कुंडली देख ली भारत की। 1977 में क्या हुआ था, एक डिक्टेटर बन गई थी हमारी इंदिरा गांधी, और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया। उस दौरान बृहस्पति वृषभ राशि में थे, टॉरस राशि में, और मजे की बात देखिए, बृहस्पति 1 मई को इस बार फिर वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी ये संकेत बता रहा है कि यहां पर भी किसी डिक्टेटर टाइप सरकार को कोई परिवर्तन का योग बन रहा है। 1977 रिपीट होने जा रहा है, याद रखिएगा, जब इस तरह की घटना घटती है संजय जी, उसमें विपक्ष मायने नहीं रखता है। आप समझिए कि आप बड़े पत्रकारों के डिस्कशन में आपने भी सुना होगा कि 1977 में विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं था, सब जेल में डाल दिए गए थे, और वहां पर जब चुनाव हुआ तो जनता ने अपना जो है मत जो है उस एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जिसने उसको सप्रेस किया था, जिसने उसकी भावनाओं को, उसकी स्वतंत्रता को छीना था, उसको दंडित किया था। वैसे ही लगभग स्थिति इस समय ऐसी हो रही है कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया है, एक अजीब तरह की मतलब एक संशय की स्थिति है, लग ही नहीं रहा कि कोई लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कोई जोश नहीं है लोगों में। आज आपके टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल भी छपा है कि जो अभी नए वोटर बने हैं 2.5 करोड़ 18 वर्ष के लोग, उनमें बिल्कुल भी जोश नहीं है नए वोट डालने का, उनके अंदर चुनाव आयोग भी चिंतित है, इसमें उनमें उतनी उदासीनता आ चुकी है। तो इसका एक कारण और भी है कि युवा वर्ग जो हमारे यहाँ बुध से देखा जाता है, और इस समय गोचर में ट्रांजिट में बुध जो है वक्री भी है और संजय जी अस्त भी है, तो इसीलिए ये जो वोटिंग होगी इसमें चुनाव आयोग कितनी भी कोशिश कर ले, वोटिंग ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। युवा इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो कि वास्तव में सभी लोगों के लिए नुकसान का विषय होगा। तो मैंने आपको बताया कि इसमें अनरेस्ट बिटवीन रूलर्स एंड पीपल, जगह जगह विश्व में युद्ध जैसे हालात बनेंगे, प्रजा में रोग बढ़ेंगे, अन्न कष्ट भी बढ़ेंगे, आंधी तूफान वायुयान दुर्घटनाएं अग्निकांड तस्करी चोरी ठगी लूटपाट की घटनाएं बढ़ेंगी, सामाजिक असंतोष आंदोलन बढ़ेंगे, बेईमानी भ्रष्टाचार हिंसा उपद्रव की घटनाएं, लोगों का विवेक और बुद्धि कमजोर होंगे, असत्य बढ़ेगा और सत्य कम होगा। भारत की कुंडली में अष्टम भाव है और अष्टमेश गुरु पंचमेश बुध पीड़ित हैं, चुनाव के घर का स्वामी, एक चौंकाने वाली बात और भविष्यवाणी दे रहा हूं, चुनाव के घर का स्वामी शुक्र भी पीड़ित है, अतः चुनावी मैनिपुलेशन की संभावना नजर आ रही है। आपको जानकारी के लिए दर्शकों को बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो एक ग्लैमराइज चीज है, ग्लैमरस है, तो इसमें हम शुक्र से देखते हैं क्योंकि शुक्र हमारी भारत की कुंडली में चुनाव के घर का स्वामी है। तो ईवीएम का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में भी कोई मैनिपुलेशन हो सकती है, ऐसे ग्रहों के आधार पर कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि केतु से सॉफ्टवेयर आता है और हार्डवेयर देखा जाता है राहु से। ईवीएम तो कैलकुलेटर है, ईवीएम में सॉफ्टवेयर कहां है, ईवीएम तो कैलकुलेटर जैसा है, उसके बटन नहीं, उसके साथ जो बीपीपैट मशीन तो ऐड की गई है ना, वो तो किसी सॉफ्टवेयर से गवर्न हो रही है, जो अटैचमेंट किया गया है। और आप तो खुद ही, आपका खुद इंजीनियर है, आप ज्यादा मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। मैं हार्डवेयर तो है ना, जो हार्डवेयर है, चिप लगाई जाती है, वो हमारी शुक्र से और राहु के कॉम्बिनेशन से देखी जाती है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, विदेश में कोई फाइनेंस एंड डिफेंस का स्कैंडल एक्सपोज होगा, जिससे वर्तमान सत्ता के लिए मृत्यु तुल कष्ट बढ़ेगा भारत के लिए। भैया आप मत को, आपने पिछली बार कहा था और स्कैंडल आ गया था विदेश में, आपके कहने के तीसरे दिन हंगामा मच गया था, और आप फिर कह रहे हो कि विदेश में कोई फाइनेंस का और आर्मी का डिफेंस के डीलिंग, जैसे राफेल वगैरह का कोई, आपको पता है फ्रांस में वो केस चल रहा है, फ्रांस सरकार ने एक आरोप भी लगाया था, फ्रांस की कोर्ट ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार उसमें मदद नहीं कर रही है, वो अभी भी केस पेंडिंग है, वहां चल रहा है केस राफेल के। आप कह रहे हैं उसमें मृत्यु तुल योग सरकार को, जी मृत्यु तुल योग, वही अगर वहां पे कोई मतलब सरकार का मृत्यु तुल मतलब सरकार की बैंड बज जाना। अभी भी आप देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड से लेकर के अभी भी आप अच्छा, और चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। आपको जानकारी के लिए बता दो, अभी भी देखिए खुलासे तो हुए हैं, अभी इंडियन एक्सप्रेस की जो आप लोगों ने पॉलिटिकल प्रोग्राम भी किया, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जो
दिया था कि 2014 से 25 बड़े नेता जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के केसेस चल रहे थे वो अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर के भाजपा में जुड़े हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, क्योंकि इससे ये पता लग गया कि हमारे पीएम तो बहुत बढ़ चढ़ कर हर चुनावी रैली में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन आपका आचरण तो उसके विपरीत है। आपने हर पार्टी के लोगों को जोड़ने की कोशिश की तो अपनी विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा, भाजपा तो वो खत्म हो चुकी है जो अटल जी, अडवाणी जी और जोशी जी ने बनाई थी, ये तो कोई भाजपा कोई और ही है। तो अब इसके अलावा भाजपा वॉशिंग मशीन है कि जिसमें कैसा ही गहरे से गहरा दाग जाए, मिनटों में खुल जाए, बस बटन प्रधानमंत्री जी को दबाना है, कोई भी बेईमान, भ्रष्टाचारी, दलाल कोई भी जाएगा वॉशिंग मशीन में और नीट एंड क्लीन होके निकल आएगा अगर बटन मोदी जी ने दबा दिया तो। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आओ, सफेदी की गारंटी पाओ। संजय जी, आपको पता है कि पीएम ने अभी कोई दक्षिण भारत के टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया। अब इनका इंटरव्यू तो आप सब लोग जानते हैं, पहले से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं पीएमओ से, वो इनका जवाब देने होते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी में पूछ रहा, मोदी जी हिंदी में आंसर दे रहे थे। तो उसमें उन्होंने खुद ओन किया है कि हाँ, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड इसकी मैं लेकर के आया था और इसमें बुरा क्या है। तो अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री पद एक संवैधानिक पद होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है, उस पर बैठा व्यक्ति अगर किसी चीज को ओन कर रहा है, वही चीज सुप्रीम कोर्ट से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाए, तो इसका मतलब तो हमें तो प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके एक्शन को उसने जब निगेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने देना चाहिए था भाई। इसलिए कहा क्योंकि वो उसके ऊपर तो वो शायद पत्रकार बोलना ना, या उसको बोलने की इजाजत नहीं होगी। उसने ये पूछा नहीं कि भाई आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्कीम लाने के लिए जो कंपनी लॉज में जो चेंज किए थे, आपने आरबीआई और इलेक्शन कमीशन के नोटिंग को भी दरकिनार किया था, वो उसमें अपराध था, इसलिए वो उसको कैंसिल किया गया। फिर इसके अलावा आप जब ईडी सीबीआई के ट्रांसपेरेंट होने की भी बात कर रहे थे उसी इंटरव्यू में, मुझे जहां तक याद है मोदी जी, तो अब आप बताइए कि जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद तो क्या मतलब लोग क्या सोचेंगे कि ये ईडी और सीबीआई ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, क्यों वो तो वो किस तरह का कार्रवाई है, ये सब आपके सामने ही है। इसके अलावा आपको पता है कि मैंने एक और चीज कहा था, इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन की बात करी थी ना, वो बराबर निरंतर हो रहा है। एक तो वो एक अडानी की कोई क्या नाम जांच का एक अमेरिका में चल रहा है, उसके अलावा अमेरिकन राजदूत ने अभी भी पन्नून केस में फिर भारत के ऊपर कोई टिप्पणी करी है। इसके अलावा चीन ने केजरीवाल के मामले में यूएन तक ने, केजरीवाल जी के मामले में भी यूएन ने, जर्मनी ने और अमेरिका ने उसमें स्ट्रक्चर किए, पास किए। इसके अलावा चीन ने आपके अरुणाचल के 30 गांवों के नाम बदल दिए, और आप बताइए नाम बदल दिए तो अब आपका क्षेत्र के नाम बदल रहा है दूसरा विपरीत विदेशी कंट्री, लेकिन आप क्या जवाब दे रहे हैं? हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि जी नाम बदलने से मकान थोड़ी अपना हो जाता है। तो मुझे याद है कि एक किसी प्रोग्राम में कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर ये कह रहा था, भैया नाम आपके मकान पर कोई अपना नाम लगा जाए तो फौजदारी का मुकदमा हो जाता है, सिविल सूट बनता है, ऐसे कैसे कह रहे थे आप? तो कितना हल्के से हम लोग उस चीज को ले रहे हैं। तो ये सब विषय हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन भी लगातार हो रहा है, और अभी जो नया संवत्सर शुरू हो रहा है इसमें लगातार इस तरह की चीज आएंगी, जो मैंने कहा सेक्स स्कैंडल, डिफेंस स्कैंडल और भ्रष्टाचार का स्कैंडल एक्सपोज होने वाला है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने जब ग्रहों के अधीन है, हमने एक शुरुआत अपनी लाइन वहीं से शुरू करी थी, हमारे रामदेव जी बड़े इसमें परेशानी में आ गए, और रामदेव जी का जो जजमेंट है, रामदेव जी को कोर्ट में पेश होना पड़ा, और रामदेव जी तो आपको पता कपालभाति कराने के शौकीन रहे हैं, तो वहां तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा नहीं, कपालभाति छोड़ो, तुम्हें शीर्षासन करना पड़ेगा अब। तो वो उनको जो है उनकी जो है उसको एफिडेविट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आपकी ये लिप सर्विस है, और आपको जो है हम 10 तारीख को दोबारा बुलाया। आपके लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ, मेरे एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है मेरा फ्रेंड, उसने प्रेडिक्ट किया था आज से 3-4 बरस पहले, रामदेव जी हरियाणा के या किसी जगह पर एक प्रोग्राम में हाथी से गिर पड़े थे, हाथी पे बैठे थे तो वो गिर पड़े थे वहां पर, तो उसी समय उसने प्रेडिक्शन की थी। और इसके अलावा आपको संजय जी, आप तो काफी पॉलिटिकल इवेंट ही कवर करते हैं, मोदी जी भी वाराणसी के या कुंभ के मेले के टाइम में जब इंस्पेक्शन के लिए जा रहे थे तो गंगा घाट पर कहीं सीढ़ियों पर जो सीढ़ियां बनाई जाती ना टेम्परेरी, उस पर पैर फिसल गया था, गिर गए थे, ये वो बहुत झटके से वीडियो उड़ा दी गई।
तो वो जो गिरे थे, तो हमारे शकुन शास्त्र के अनुसार ये जो पुस्तक है इसमें हमारा जो है ग्रहण और शकुन शास्त्र का पूरी व्याख्या बृहस् संहिता है, और ये विक्रमादित्य जी के राजगुरु रामेर ने लिखी है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें शकुन शास्त्र के अनुसार ये कहा गया है कि हाथी से घोड़े से गिरना या किसी राजा का ठोकर लग के गिरना ये संकेत देता है कि उसके पतन का समय शुरू हो गया। तो एग्जैक्टली आपको बताऊं कि मोदी जी का भी डाउनफॉल, आप बेशक जांच एजेंसी हमारी काम तो कर ही नहीं सकती सरकार के खिलाफ, लेकिन जब भी जांच होगी, लेकिन उनका परसेप्शन कितना गिरा है, ये सारे खुलासे अब हो रहे हैं, वो उसी का कारण है। और रामदेव जी भी आप देखिए कि रामदेव जी ने एक और मैंने किसी प्रोग्राम में पुरानी वीडियो देखी थी, वो मजाक उड़ा रहे थे ज्योतिष का, और वो कह रहे कोई शनि बनी और राहु आहु कुछ नहीं होता, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। आज रामदेव जी से नहीं, बात बिल्कुल सही है। मैं गया था रामदेव जी से मिला था, मैंने रामदेव का इंटरव्यू किया था और बहुत लंबी 2-2.5 घंटे मेरी रामदेव से बात गुफ्तगू भी हुई थी। तो मुझसे कह रहे थे, मैं अंगूठी पहनता हूँ तो मैं पन्ना और डायमंड पहनता हूँ, हीरा पन्ना पहनता हूँ, तो मुझसे कह रहे थे कि संजय तुम क्या ये अंधविश्वास फैलाते हो, देखो मैं हूँ, मैंने कोई अंगूठी नहीं पहनता, कोई ताबीज नहीं पहनता, मैं कोई शनि कोई राहु नहीं मानता, तो वो मैं किसी मूर्ति पूजा का नहीं करता। वो तो मंदिर में अब चूंकि ब्रांडिंग चल रही है आ गए, वरना वो मूर्ति पूजा भी नहीं करते थे रामदेव। वो कह रहे मैं ये सब कुछ ग्रह व्रह नहीं मानता, मुझसे उन्होंने खुद कहा ये बात। ऐसा ना, रामदेव जी आर समाज ही हैं, आर समाज में जो वेदों को मानते हैं वो बाकी पुराणों को नहीं मानते, और वो मूर्ति पूजा में विश्वास भी नहीं करते। दूसरी बात आपको रामदेव जी की बता देता हूँ कि रामदेव जी रामलीला मैदान से स्त्रियों के कपड़े पहन करके छिप करके भागे थे, जब कांग्रेस ने डंडा बजाया था तो उस समय रामदेव जी ने अनुष्ठान कराया था शनि का, मुझे उनके नजदीकी लोगों ने बताया था, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये शनि की कृपा से तुम्हें वेश बदलना पड़ा। भगवान शंकर तब को तो शनि की दृष्टि से वेश बदलना पड़ा था जब उन्होंने शनिदेव, ये पुरानी पौराणिक कहानी है, लंबा चौड़ा क्या कहानी थी, क्यों बदला था, क्या बात हो गई थी वो? देखिए शनिदेव के बारे में ये कहा गया उनको दृष्टि दोष है, तो उनके पिताजी ने उनको श्राप दिया था, छाया के पुत्र हैं, सूर्य की जो दो पत्नी है उनमें एक पत्नी छाया थी, छाया से ये पैदा हुआ, काले थे तो इसलिए उनको कॉम्प्लेक्स भी रहता था, तो उनको दृष्टि दोष है। तो जब ये एक बार गणेश जी का जन्म हुआ तो गणेश जी को देखने गए, तो वहाँ गणेश जी का उनकी दृष्टि पड़ी तो गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया, वो शिव जी ने गर्दन अलग कर दी। इसी प्रकार शिव जी ने एक दिन ये कहा, वो ये पुराण की कहानी है कि भाई मैं देखता हूँ शनि तो मेरा भगत है, और शनि आपको पता है शिव जी का ही भगत है, तो बोले शनि मेरा भगत है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसके बाद जब शनिदेव उनके दर्शन करने के लिए गए तो शिव जी वहां से गोल हो गए कैलाश से, और उन्होंने वेश बदल के किसी हाथी का स्वरूप धारण कर लिया। क्यों? आज जो अंदर ही अंदर का उनका डर था, कोई किसी ने शनिदेव ने कुछ नहीं किया, उनको वेश बदल के अपने उस पशु योनि में आना पड़ा, तो शनिदेव ने उनको साक्षात दर्शन देते हुए बोले प्रभु देखा ये मेरा प्रभाव है कि आपको अपना ओरिजिनल स्वरूप छोड़ करके ये इस योनि में आना पड़ा। इसी ऐसी तीसरी घटना द्वापर युग की भी कही जाती है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो सारे देवी देवता उनको आशीर्वाद देने के लिए आए, शनिदेव भी आए थे। शनिदेव को अपना ये एहसास था कि मेरी दृष्टि खराब है और दृष्टि के कारण लोगों को नुकसान होता है, तो शनिदेव नीचे निगाह करके रहे, उन्होंने भगवान कृष्ण के पैरों को केवल दृष्टि दी है, चेहरे को नहीं देखा। और इंटरेस्टिंग पार्ट आपके दर्शकों को बता देता हूं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण भी पैरों से ही उनके तीर लगा था, तीर पैर पर लगा था, तो इसीलिए ये शनि की दृष्टि है। तो रामदेव जी की दृष्टि यह भी पड़ी है कि आज रामदेव जी 15 अच्छा, मुझे तो शनि बहुत बढ़िया लगते हैं, मतलब पता नहीं आपका तो लग्नेश है, मेरा भी शनि योग कारक ग्रह, जिसका योग कारक उसको राजा बना दे उसको यस। अच्छा, लग्नेश का मतलब क्या होता है? जैसे शनि मेरे लगन में तो क्या होता है, जिसका लगन में शनि होता है उसका क्या होता है? देखिए कुंभ और मकर दो शनि की राशियां हैं, तो शनि इसका स्वामी है, और अगर शनि अच्छा हो तो देखिए अपनी राशि का तो सभी लोग अपने प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपका अपना घर है, और शुक्र के लिए भी वो केंद्र कोण का स्वामी है, तो योग कारक प्लेनेट मारा गया है, शुक्र बुध उसके परम मित्र हैं शनि के, इसलिए शनि की इनके ऊपर उतनी कष्टकारी दृष्टि नहीं रहती है, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। एक चीज और बता देता हूं आपको कि रामदेव जी को आपको पता है आपके पिछले सिर्फ 2-3 प्रोग्राम से लगातार वो शनि मंगल की कुंडली दिखा रहा था हाथ से बनी हुई में। 15 मार्च को शनि मंगल इकट्ठे हुए हैं रामदेव जी की हालत होगी, तो रामदेव जी के पास संदेश पहुंचा देना का शनिदेव ने तुमको कोर्ट में घसीट लिया, और शनिदेव का कलर क्या होता है, काला। आज जज कौन से जज जो हमारे कौन सी पोशाक पहनते हैं वो काली, तो आज उस काली पोशाक वालों के सामने आपको नाक रगड़नी पड़ रही है और कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ रही है। और इसके अलावा
जो उनके विज्ञापन सारे बंद कर दिए, जो इलीगल ठहरा दिए सुप्रीम कोर्ट ने, उससे आपको पता उनका सारा व्यापार खत्म हो गया आयुर्वेद की दवाइयों का, सब खत्म। क्योंकि आप तो जो आप बड़े बड़े दावे करते थे, रामदेव जी टीवी में दिखाए जाते थे, जंगल जंगला जा रहे हैं, कोई हरी पत्ती तोड़ के ला रहे हैं, जड़ी बूटी तोड़ के ला रहे हैं, गंगा के किनारे धो रहे हैं, वो सारे ड्रामे बंद। तो आपके व्यापार पर भी असर आ गया कि आपने शनिदेव ने आपको अपनी आपकी हैसियत दिखा दी, रामदेव जी को कोई बता दे जा करके। एक और चीज मैं आपके प्रोग्राम में लेकर के आया हूँ कि भाजपा की जो फॉर्मेशन हुई है संजय जी, वो भाजपा की फॉर्मेशन जो है 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, तो हमारे कल ही 6 अप्रैल निकली है, तो भाजपा के लिए ये वर्षफल भी इसमें बनता है। तो आप ये दर्शकों को जरूर दिखाइएगा कि भाजपा की ये वर्षफल है जिसमें उनकी मुंथा जो है छठवें घर में चली गई और मुंथे शनि आए हैं। इसके अलावा इसका दसवें घर का स्वामी जो सत्ता होती है उसका स्वामी अष्टम भाव में, आप तो अब तो सीख गए हैं आठवां घर क्या होता है, परिवर्तन का, परिवर्तन तो का स्वामी आठवें घर में जा रहा है, दसवां घर होता सत्ता का, इसका अर्थ क्या हुआ है, सत्ता का परिवर्तन हुआ, का वर्षफल बता रहा है सत्ता जा रही है और उस पर शनि की दृष्टि है, तो सत्ता कौन लेकर के जाएगा। ये आपको हम अभी बात कर रहे थे, भूल जाइए विपक्ष को, भूल जाइए इंडिया अलायंस को, ये चुनाव बेसिकली सत्ता वर्सेस पब्लिक हो चुका है। जो पब्लिक को, आपको मैं बताऊं, जब पब्लिक को जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि इस सत्ता के रहते हुए हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ जो है स्पीच कमजोर हुई है, हम स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार को अपनी पॉलिसी के लिए बात नहीं कर सकते, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरी नहीं मांग सकते, वगैरह वगैरह जो मुद्दे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज तो मैं आपको ये बता, आपने मुझसे कहा कि वो अभिव्यक्ति की आजादी, आप देखिए कल यूट्यूब ने मेल किया, एक बोलता हिंदुस्तान एक चैनल है यूट्यूब को, मेल आया कि भारत सरकार ने कहा है कि आपकी जो कंटेंट है वो ठीक नहीं है, इसलिए हम आपका चैनल बंद करते हैं, ब्लॉक करते हैं, और भारत सरकार का जो पत्र है वो कॉन्फिडेंशियल है, बता नहीं सकते कि क्या लिखा है उसमें। आप देखिए बिना कहे कुछ कहे यूट्यूब चैनल बंद हो गया। अब अगर तुम्हारी 400 पार आ रही है तो डरे क्यों, यूट्यूब को बंद क्यों कराना चाह रहे हो, गोदी मीडिया के चैनल तो खरीद ही लिया तुमने, अगर यूट्यूबर कुछ बोल रहे हैं, हो सकता राजे जी मेरी आपकी आखिरी बात हो, हमारे भी चैनल को बंद कराने की, और लोग वो चैनल को जो बातें तकलीफ दे रही हैं वो बंद करो, हमारा नाम, चूंकि देश में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप हमारी है, पिछले 28 दिनों में 23 करोड़ से ज्यादा व्यू देख चुके, यानी पूरे बीजेपी को देश भर में जितना वोट मिला है उससे ज्यादा व्यू तो हमारे 28 दिन में आ गए हमारे चैनल पे, तो ये बात भी अखरेगी सत्ताधारी को तो। लेकिन ये डेमोक्रेसी के तो खत्म है कि आप यूट्यूब को देखोगे इनका चैनल बंद, यूट्यूब भी प्रेशर में, वो बंद कर देगा आपका, तो डेमोक्रेसी कहाँ बच रही है देश में, खत्म ही हो रही है। एक अभी किसी यूट्यूबर ने बहुत अच्छा प्रोग्राम तानाशाह हेडलाइन करके बनाया था, डेमोक्रेसी में भारत जो है नीचे की पायदान से जस्ट एक स्टेप ऊपर है, मतलब यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं लेकिन बाकी आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खत्म हो चुके हैं, ये विश्व भी इस चीज को मानने लगा है। अभी पिछले दिनों को एक रिपोर्ट आई थी हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो मैं आपको बता रहा हूँ हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है 126 मिली है, जो कि चीन पाकिस्तान नेपाल और बांग्लादेश से भी गई गुजरी है, चीन पाकिस्तान बांग्लादेश से भी गई गुजरी है। अब हैप्पीनेस रैंकिंग का दर्शकों की नॉलेज के लिए बताते तो क्या बेस होता है इनका, कि किस रूप में वो हैप्पीनेस इंडेक्स डिसाइड करते हैं। हैप्पीनेस रैंकिंग इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन एज वेल एज जीडीपी पर कैपिटा इनकम। जीडीपी पर कैपिटा इनकम भारत वर्ष में बहुत कम है, नीचे पायदान से है। सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। तो इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में जोड़ा गया है कि अगर आपकी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो वो इसका मतलब आप खुश नहीं हो, क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब क्या है। और जेनरोसिटी एंड करप्शन, करप्शन भी हमारे यहाँ के करप्शन का इतना बड़ा कांड खुल गया इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, सबको पता है। और जो नोटबंदी भी आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज, 5 जजों की खंडपीठ थी उसमें एक महिला जज थी, उन्होंने खुद कहा कि भाई जो अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज आई थी कि भाई जो नोटबंदी लाई गई थी उससे तो काला धन कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। वो काला धन में तो लोगों ने, उद्योगपतियों ने और पार्टी के लोगों ने काला धन सफेद कर लिया। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स जो हम बात कर रहे थे, और हमारे देश में इसके विपरीत क्या है, धर्म का पाखंड, स्वार्थ, घृणा, नफरत, हिंसा, द्वेष, बेरोजगारी, किसानों मजदूरों की खस्ता हालत,
युवाओं की 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 80 करोड़ से ज्यादा 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं, केवल और केवल एक व्यक्ति का महिमा मंडन, अंधभक्ति, सत्ता के द्वारा असत्य झूठ पाखंड का प्रचार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन धरातल पर है, सत्ता के द्वारा लोगों के प्रति झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेल में डाला जाता है, और हैप्पीनेस मिलती कहां से, मैं आपको बताऊं। देखिए तो ये चीजें, अब मैं आ जाता हूं इसके बाद में जो आपकी वार्षिक फल की जो बात कर रहा हूं, उसके बाद हम प्रोग्राम आपका समाप्ति की तरफ लेकर, पता नहीं चला 45 मिनट होगा, पता नहीं चला आपसे बात करते। हाँ देखिए, इसमें भाजपा की स्थापना हुई, इसका मिथुन लग्न है, वृश्चिक राशि है, चंद्रमा नीच का होकर झगड़े मैनिपुलेशन के छठवें घाव में बकरी मंगल और राहु केतु से पीड़ित है। वर्तमान वर्षफल भाजपा का 24-25 का 6 अप्रैल 2024 को सायं 6:31 पर शुरू हो रहा है, हो गया है। इसमें भाजपा के जन्म कुंडली का चौथा घर यानी सिंहासन का भाव उदय हो रहा है। इसका स्वामी बुध बकरी और अस्त होकर अष्टम भाव में यानी परिवर्तन के भाव में शनि से पीड़ित है, इसलिए वर्षफल भी संकेत दे रहा है कि इस भाजपा की सत्ता, भाजपा को सत्ता नहीं मिलने जा रही है। सप्तमेश और चतुर्थेश गुरु भी अष्टम भाव में पीड़ित हैं, अतः भाजपा की प्रतिष्ठा निरंतर निम्न स्तर पर, लो लेवल पर भ्रष्टाचार और अनैतिक राजनीतिक पॉलिसी एक्शन के कारण गिरती जाएगी, गिरेगी। मुंतेश और वर्ष के स्वामी शनि छठवें भाव में, जो इनके लिए भविष्य में कानूनी लिटिगेशन और इनके महत्वपूर्ण नेताओं के गंभीर बीमारियों और अशुभ समाचार का योग बना रहे हैं। इस वर्ष पार्टी के बिखरने और टूटने का सहयोग और सहयोगियों के साथ झगड़े होने का भी योग है। आपको बताएं, महत्वपूर्ण नेताओं की बीमारी हारी का योग है। अभी 2-1 दिन पहले ही सुशील मोदी जैसे बड़े पत्रकार, बड़े नेता ने, उन्होंने कहा कि उनको कैंसर डायग्नोज हो गया है और उन्होंने प्रचार से मना कर दिया, उनका एडवांस स्टेज में है कैंसर, तो ये बड़े खराब है। इसके विपरीत कांग्रेस की कुंडली भी थी, कांग्रेस की 2 जनवरी को स्थापना हुई थी 1978 को, तो कांग्रेस का वर्षफल जनवरी में शुरू हो गया। इसके विपरीत कांग्रेस की कुंडली बहुत अच्छी आ रही है, ग्रह में तो ग्रहों की गणना कर रहा हूं क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक किसी से लगाव नहीं है। कांग्रेस 3 लग रहा हूं कन्या राशि की जन्म कुंडली, इनका वर्षफल 3 जनवरी 2024 को प्रातः 7:08 पर प्रारंभ हुआ, जिसमें इनका 10वां भाव सत्ता का धनु लग्न उदय हुआ है। इसको स्वामी 5वें घर में बैठकर लग्न को देख रहा है और राजयोग का संकेत दे रहा है, मतलब कांग्रेस की कुंडली में राजयोग आ रहा है और भाजपा की कुंडली में सत्ता परिवर्तन। तो ये आने वाला वर्षफल भी भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। जाते जाते एक मैं बहुत अच्छी एक आर्टिकल आया था, दर्शकों के साथ चंद लाइनें शेयर करूंगा जो हेल्थ के ऊपर है। और जाने अनजाने में आप देखिए, मैं पिछले 5-6 प्रोग्राम से आपके प्राण 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 के ऊपर बात करता रहा, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो इमोशनल टर्मोइल है उससे कैसे बचा जाए। ये आज पूरे, क्योंकि भारत वर्ष की चंद्रमा की दशा चल रही है, तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, डिप्रेशन, इमोशंस में रेस्टलेस होकर के परेशान होना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें हमारे समाज में हर घर में पहुंच गई हैं और हर वर्ग में पहुंच गई हैं, गांव देहात में भी मैंने देखा लोग टेंशन में। तो उसमें दिया है कि वी गेट ट्रैप्ड इन एन इमोशनल मेहम, वी फील हॉरिबल, रूमिनेटेड ओवर इरेशनल थॉट्स एंड एंड अप एंगेजिंग इन डाइफंक्शनल बिहेवियर्स, द रिएक्शन विच वी रिग्रेट लेटर। हमारे कुछ व्यवहार, व्यवहारिक जो व्यवहार होता है वो इस तरह का हो जाता है जिसको बाद में फिर हम अफसोस करते हैं जिसके लिए। तो आपको बता, एक रिसर्च आई है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिसर्च, उसमें ये सिद्ध हो गया है कि हमारे ज्यादातर इमोशंस नेचुरली प्रोग्राम्ड होते हैं जो 90 सेकंड में ही खत्म हो जाते हैं। संजय जी, जो हमारे बुरे विचार आते हैं वो 90 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। सिर्फ अच्छा। आपको चाहिए क्या, उसके पास एक कोई टेक्निक, एक कला ऐसी चाहिए कि वो 90 सेकंड तक उनको पकड़ के रखना, कंट्रोल ओवर पावर ना होने दें, हम उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो सबसे सुंदर कहा गया है कि टू कंट्रोल सच इमोशंस वी नीड टू स्टॉप जस्टिफाइंग अवर सेल्फ, पहले तो अपने आप को जस्टिफाई करना बंद कर दो, क्योंकि जज तो आप नहीं हो सकते ना भाई जिंदगी में। यह हमेशा उसूल याद रखो एक, कि आप एग्जामिनर हो कि एग्जामनी, एक ही काम अदा कर सकते हो, परीक्षा लिख सकते हो या परीक्षक बन सकते हो, तो उसमें हमें जस्टिफिकेशन बंद कर देना चाहिए। दूसरा बात है कि दूसरा क्या सोच रहा है इसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दें। तो उसमें सबसे सुंदर कहा गया, सबसे सुंदर जो बात मैंने आप लोगों को बताता था, वो स्टेटमेंट क्या लिखा, प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग थ्रू एब्डोमिन सेवरल टाइम्स इन ए डे। और मैं आप लोगों को क्या कहता था कि पेट से सांस लेना शुरू कर दीजिए और दिन में कई बार करिएगा। When in our stomach comes out gently, यह मतलब जब आपकी, जब आप इनहेल करते हैं तो पेट बाहर आएगा और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट
अंदर जाएगा. एज वी ब्रेक आउट एंड मास्टर दिस एक्टिविटी है फोकस ऑन द बॉडी पार्ट वेयर द इमोशंस इज मैनिफेस्टेड एज प्रेशर एंड ब्रेक ब्रीथ कंटिन्यूसली. मतलब हम जहां जिस बॉडी के पार्ट से वो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसमें माइंड का फोकस ले जाओ और डीप ब्रीदिंग शुरू कर दो पेट से. आपका ये दूर हो जाएगा. ना से रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हर पीरा जय श्री राम. बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए, आभार आपका. तो ये थे राजीव जी और आपने सुना कि किस तरह उन्होंने विस्तार से बातचीत की. उसको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी. राय से अवगत रहिएगा. शुक्रिया. थैंक यू.